नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, एक ताजा खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सतनाम विर्क, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि अब की बार कांग्रेस की सरकार तय, हरियाणा प्रदेश में होगी कांग्रेस की सरकार और जनता मन बना चुकी है। भाजपा के भ्रष्ट शासन से तंग आ चुकी है जनता, राहुल गांधी के हाथों में अब भारत सुरक्षित है। जी हाँ, अब मन बना चुकी है जनता। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिन्होंने एक बड़ा बयान किया कि भाईचारे की सरकार है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अब की बार राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना होगा और हरियाणा में लेकर आनी होगी हुड्डा की सरकार। किसान मजदूर सबके हितैषी राहुल गांधी, जो कि देश में भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा से पूरा देश एकता के मंच पर आ चुका है, अब की बार एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा, हुड्डा की सरकार में युवाओं के पास रोजगार, गरीबों के पास प्लॉट और मकान की गारंटी सबको मिली और सबको मिला आशियाना। जी हाँ, उन्होंने कहा, महंगाई भ्रष्टाचार मुक्त शासन, जी हाँ कांग्रेस की सरकार लेकर आनी होगी। उन्होंने कहा कि अब की बार यदि कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं विधानसभा पेहवा से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हूँ। उन्होंने कहा कि पेहवा की जनता के लिए जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जी हाँ, आज सतनाम विर्क का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारत में भाईचारे की सरकार लेकर आ सकती है और उन्होंने कहा कि सबको समानता का अधिकार कांग्रेस पार्टी में मिला। जी हाँ, खबर को शेयर जरूर करते रहना और चैनल को फॉलो जरूर करना और शेयर जरूर करना। जी हाँ, यह बहुत बड़ी खबर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इस समय दिखा रहे हैं। लेकिन मेरी सिर्फ सोच यही है कि विधानसभा में उतरने का मतलब या किसी जिला परिषद में उतरने का मतलब या लोकसभा में उतरने का मतलब सिर्फ जनता की सेवा है। अगर आप राजनीति को हम अपना कोई धंधा बना करके चलेंगे तो फिर वो राजनीति नहीं होगी, वो तो देश के साथ भी और जनता के साथ भी गद्दारी होगी। आजकल जनता बड़ी परेशान है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों के लिए देख लीजिए नशा आज इतना बढ़ चुका है, चोरियां वारदात बढ़ रही हैं, सरकार का कोई कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान ही नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी पार्टी को मौका मिलता है और आपको जनता की सेवा करने का मौका मिलता है तो आप कैसी कानून व्यवस्था चाहेंगे आपके शहर की होनी चाहिए? देखिए, कानून व्यवस्था का तो दिवालिया पिट चुका है इस सरकार में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर के यह सरकार सत्ता में आई थी और बेटियों का बहिष्कार करने का इन्होंने काम किया, बेटियों की जो है इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। चाहे मणिपुर की घटना देख लो या और भी ना जाने इस देश में प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई। बात करें हम संदीप की, जो संदीप के ऊपर आरोप लगे थे, अभी तक उसको महिला को इंसाफ नहीं मिल पाया, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं तो संदीप तो गुनहगार था इसमें, लेकिन उससे बड़ा गुनहगार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री को मानता हूँ। जब उसके इस्तीफे की मांग की गई तो मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पर कह दिया कि हम उसका इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है? भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात वही कर सकता है जिसके घर में बहन बेटी या बहू हो। जो आप ही घर की जिम्मेवारी से भागे हुए लोग हैं, उनके हाथ में हमने देश की और प्रदेश की सत्ता दे दी, तो हम कैसा उनसे क्या हम सोच रखते हैं कि वो देश और प्रदेश का क्या भला करेंगे? नहीं, जैसे हल्के की जनता ने उनको विधायक बनाया, हल्के में मतलब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसको एक नौजवान समझते हुए, एक खिलाड़ी समझते हुए लोगों ने वोट डाली थी मेरे हिसाब से, ठीक है जी। अगर लोगों ने, कोई गलती नहीं थी कि लोगों ने उसको मौका दिया था, उस मौके का सही सदुपयोग और दुरुपयोग उसके हाथ में था। उसने सिर्फ राजनीति को और इस कुर्सी को एक पैसे का माध्यम मेरे हिसाब से समझा है और अय्याशी का माध्यम समझा, इससे ऊपर उसने कोई काम मेरे हिसाब से तो कुछ किया नहीं। मुख्यमंत्री रहे और आम जनता ये कहती है कि आज केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियां बांटनी शुरू की, विपक्ष भी आरोप लगाता है और आज हुड्डा की भी याद आ गया कि कहीं ना कहीं आम जनता को बिजली फ्री दी जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर फ्री वाली बात पे मैंने आप पहले ही एक सवाल का जवाब दिया था कि अगर उन्होंने फ्री नहीं किए थी तो 15 रुपए पावर करके पहले तो किसान को मतलब के उसको बिजली के कर्जे से मुक्त किया, पहले बिल माफ किए, फिर एक जैसी 15 रुपए पर हाथ पावर की थी। हमारे गांव में यहाँ 85 रुपए हुआ करती थी, बुराड़ा में 50 थी, चांसा में 100 कुछ थी, ऐसे था 2005 से पहले। फ्लैट रेट किए, नाम मात्र बिल आते थे,
और रही बात बिजली फ्री करने की, पहले तो चलो ये गवर्नमेंट की नीतियां हैं, केजरीवाल ने ऐसा करके किसका बिल कम हुआ, हर घर में एसी लगे हुए हैं भाई साहब, आजकल हर घर में हीटर चलते हैं, 300 यूनिट कितनी देर में जल जाते हैं ये आप भी जानते हो, ये तो रेवड़ियां बांटने वाली बात है। काम वो करो जो सबको फायदा दे, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर आप बिल पे कर रहे हो तो आपको उसका फायदा नहीं हुआ तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं निराशा होगी ना, तो नीति जो होगी वो सबके लिए होगी कांग्रेस की और चौधरी भूपेंद्र सिंह। दूसरा, एक विधायकों का एक बहुत बड़ा इशू होता है, आपके भी संज्ञान में आया होगा और आप भी सोचते होंगे बात, अगर आप ये लागू आपके ऊपर भी होती है बात, कि विधायक बनने के बाद ज्यादातर लोग ये कहते हैं मेरी तो सरकार में चलती नहीं, ऐसे विधायकों के लिए क्या संज्ञान? मैं समझता हूँ उनके अंदर काबिलियत, उनको विधायक की फिर उसका पद का ही नहीं पता है विधायक क्या होता है, वो तभी कहेंगे कि विधायक की चलती नहीं है, अगर अपनी पावर का ही आदमी को नहीं पता है तो फिर वो विधायक बनने के काबिल भी नहीं है, इससे ज्यादा मैं सवाल का कोई उत्तर नहीं दे सकता, काबिलियत अपने अंदर होनी चाहिए, काम अपने आप हो जाते हैं। वाजीवाद, धन्यवाद आपसे, आपके विचार सुनकर जनता से रूबरू कराया हमने, बहुत अच्छा लगा, और हम भविष्य में चाहेंगे आप जैसे विधायक, पढ़े लिखे विधायक बने ताकि आम जनता का विकास कर सके। धन्यवाद।